सो हाय गाइस एंड राधे राधे एंड गुड इवनिंग। अभी शाम हो गई है, 5 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन के घर। हमारी ना बहन का जो घर है यार, इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह है। सीरियसली उनके घर से ना मनाली नहीं मसूरी साफ साफ दिखती है। और अभी सबसे पहले ना कार निकालने वाले हम लोग, अपनी स्विफ्ट ये खड़ी हुई और ये पागल और इसमें हम 4 लोग ही जाने वाले हैं हमेशा की तरह। मेरा कल पता है मूड बन गया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ वापस बुलंदशहर, बट मेरे एक भैया आ रहे हैं तो इस वजह से मेरा मूड हो गया कैंसिल। अब मैं 2 दिन और रुकने वाली हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं। यार आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में करके सजेस्ट करो कि यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। वैसे मैं FIR नहीं गई हूँ तो अभी मैं वहीं जाने की सोच रही हूँ और शायद हो सकता है कल हम वापस मसूरी जाएं। सो गाइज अब हम जा रहे हैं। भाई साहब फोन हटा दो, हम अपनी जान बहुत प्यारी है। ओ तो मेरे साथ जाना होना चाहिए। हाँ फोन हटा दो पहले। अब हम गाड़ी में बैठ गए, बस यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है मेरी दीदी के घर का। और यार उनके ना घर के वहाँ से व्यू बहुत सुंदर आता है सारा। यहाँ पे ना जितने भी सोसाइटी है यहाँ पे व्यू का गेम है। और यहाँ पे हर जगह के मतलब जो भी फ्लैट्स वगैरह बनते हैं ना इस हिसाब से ही बनते हैं मोस्टली, कि उनसे उनकी बालकनी से व्यू बहुत प्यारा है और वही आता है उनके घर से व्यू जो है। सो गाइस ये देखो ये सामने इसे क्या है, मेरा मकान है, मसूरी है, मसूरी थोड़ी है, ये सामने इधर है मसूरी। तो ये माउंटेन्स है, ऐसे तो बताऊं ना। मारो मारो इन्हें मारो, बता दे मच्छर मच्छर कान पे कान पे। सो गाइस ये देखो कितना सुंदर स्टोर है, प्रेरणा स्टोर, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें क्या पॉट्स और गमलों का ही काम है क्या? बस हाँ इंटीरियर है सारा, ग्रोसरी वगैरह सब XYZ इंटीरियर है। तो तुम अपनी बहू के लिए खरीद लो, तो ले लिया उल्टी बात करेंगे, कह रहा करवा चौथ के मटके मिल रहे हैं। हे भगवान रुक जाओ इन्हें मलो, जरा सा मलो इन्हें। गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसमें मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मेरे भैया का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है। आप समझ चुके होंगे, आपने बहुत सारे ब्लॉगों में देखा होगा। देखो इसीलिए मैं थोड़ी उदास रहती हूँ, थोड़ी शांत रहती हूँ। मैं इनका बहुत ज्यादा दुख मानती हूँ इस बात का कि इनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। आप ये ऐसे बोलते ही रहते हैं, बोलती रहते हैं, हमने देखा है ना ये ऐसे बोलते रहते हैं, इनकी आदतें बड़बड़ाते रहते हैं। मेरे भाई का मानसिक संतुलन हिला हुआ है, आप जहाँ भी इनसे मिले ना 2 गज की दूरी बना ले, मैं तो इन्हें झेल लेती हूँ। देखो आप बाहर वाले हो, आप मिलोगे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो इस सूचना को, जरूरी सूचना को याद रखिए आप लोग। गाइस ये देखो ये जो आ रहे हैं ना भैया, ये दोस्त हैं मेरे, हैं मुझे इनकी ये ड्रेस बड़ी यूनिक लगती है, मेरे पे भी लाल रंग के कपड़े ऐसी सेम। गाइस ये जो है ना सामने, ये इनका आश्रम है, ये इनका मंदिर है, कलोनी है इनकी, आश्रम कलोनी है इनकी। बकवास करवा लो, जिस पर जो लिपटे हैं हमारे ब्लॉग में गाइस वो लपेटते हैं। ये देखो गाइस कितना सुंदर है ये वाला व्यू है। देख आगे स्कूल है, इसमें एडमिशन कराऊंगा तेरा, घर आऊंगी मैं जब तक, मैं तो GL बजाज में जाऊंगी, मैं तो कराऊंगा तेरा एडमिशन। हाँ हाँ दिवाली के बाद मैं तो GL बजाज में जाऊंगी, तुम करवाओगे ना? इसमें तुम अपने बच्चे का करा लियो, मेरा एडमिशन कराऊंगा नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा इसमें। सो गाइज हम आ गए और देखो सनसेट कितना प्यारा हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना सनसेट। और पहले ये वाला व्यू देखो आप, ये और ये हमारा चौधरीज हाउस, ये हमारी दीदी का घर है। ये बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है मुझे। ये हमारी स्विफ्ट है, ये भाई ना पहले सही से पार्क कर रहे हैं। और ये व्यू देखो कितना सोना लग रहा है, इनके ना छत से और सुंदर लगता होगा ये सब, बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये हमारी दीदी का घर है, ये मुझे काफ़ी मतलब सुंदर लगता है, यूनिक सा इंटीरियर है इसका। बाहर से ना जो टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, सही ना, हम लोग कुछ अपने घर में कराने की सोच रहे हैं। और इनका मिनी प्लांट है, मिनी गार्डन। गाइस हमारी दीदी आई हैं राव साहब वाला गाना चलाते हुए। दीदी हमारी बाहर गई हुई थी। लड्डू लड्डू जल्दी आ,
लड्डू इधर आओ, देखो तुम्हें यूट्यूब खोल के देती हूँ लड्डू। लो गाइस, मेरी भाभी ने कही नाश्ता जरूर लो। और ये जो भैया के बराबर बैठी है भाभी है, जिन्हें आप अभी तक देख नहीं पाए थे, अब देख लो। लड्डू भाभी भाभी करो, भाभी का QR कोड डालते हैं, मुंह दिखाई देते हैं ना, और देख लेना हमारी भाभी को। लड्डू यहाँ पे आ, पहले अपना नाम बताओ, ये YouTube पे आएगी वीडियो, जल्दी। सो गाइस, ओए लड्डू नीचे आ जा, लड्डू हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो जल्दी, हाय इधर, इसमें देख के करो, इसमें देख के हाय ऐसे करो, हेलो हेलो। सो गाइस ये देखो वहाँ का व्यू, यार कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता, ड्रोन होता ना तो वो ही कर सकता। और ये देखो ऊपर ना दीदी, ऊपर इधर क्या पड़ता है, मसूरी पड़ती है, इधर ना यहाँ से मसूरी दिखती है। मैंने गलती करी जब हम दिन में आए थे ना, तब बनाना चाहिए था मुझे यहाँ का व्लॉग। और ये हमारी दीदी का रूम है, ये हमारी छोटी वाली दीदी का है, अभी नीचे वाला जो आपने देखा था ना वो हमें लड्डू का था। एक सो गाइस, एक दिन ना हम दिन में आपको अपनी दीदी के घर का टूर कराऊंगी, लेकिन ना ये ऊपर का टीन शेड है जो आपने बाहर से देखा था ना, यार घर बहुत प्यारा है मेरी बहन का, जैसे ना सेम हमारा है लाइक दिस, वैसा ही है, बस हमारे ऊपर वाले उसमें पोर्शन में टीन शेड नहीं है, और बाहर का फ्रंट अभी रेडी होना बचा है। बस उसके बाद में मैं अपने घर का भी होम टूर कराऊंगी। हमने ना ये एक और थार लिया है 4x4, हमारी फैमिली में एक और थार आई है। भैया कैसी लगी आपको ये हमारी थार? बहुत लाजवाब है, बहुत ज्यादा अच्छी। हाँ गार्डन ये है असली, वो नहीं था जो हमने दिखाया था, ये है। और इसमें बड़े सुंदर सुंदर ये है गुलाब वगैरह, गेंदे के फूल बहुत बड़े बड़े हैं भाई, ये है असली गार्डन। तो बोलो जी, तुम्हारे दांत देख के डर गए होंगे ही। देखो यहाँ पे ना, मतलब उत्तराखंड में ही अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। और ये पता है आपको, ये सिर्फ विंटर्स में होते हैं, जैसे अभी सीजन से लेके, इस वाले सीजन से लेके ना, ये अब से लेके ये मार्च तक होंगे, जब तक ज़्यादा ठंड पड़ेगी बस, फिर उसके सिवा नहीं होते ये। अब ना हमारा लड्डू जो है, वो छोटा बेबी जो था ना, वो रोता है, तो इसलिए ना पहले मैं और दो भैया आ गए, भाभी आएंगी धीरे से, तब हम लोग जाएंगे, वरना वो परेशान करता है, तो इसलिए ये करके खिसकना पड़ता है उसके सामने से। So guys, हाँ सुंदर है, लकड़ी का बना है, वुडन हाउस है। हाँ वुडन हाउस। So guys, हम ना वहाँ से निकल गए और लड्डू रुला दिया सड़े से भैया ने। नहीं नहीं रुलाया, मेरा नाम मत ले करो। तुम दोनों ने रुलाया था, वो लास्ट टाइम बहुत जोर से रोता है बच्चा छोटा सा, और वो रोने लगा यार, जो बड़ा बुरा लगा सच्ची में। और ये यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए हम अपने स्विफ्ट को, लो सुनो तुम्हारी बहू से ना आज मेरी लड़ाई हो गई है, इतनी बड़ी बता रही हूँ, आज मेरी लड़ाई हो गई है उनसे, आज मेरी भाभी ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं कह रही हूँ जब से मैं मेहंदी लगा दूंगी। अब अभी ना रात का 1 बज रहा है, ये देखो मैंने ना भाभी के हाथों पे, भाभी लाओ दूसरा हाथ दिखाओ, ये रहा दोनों हाथों पे कोनी कोनी तक मेहंदी लगाई है, और इस पर थोड़ी सी लगाई है, मैं थक गई थी क्योंकि 1 बज गया था, नहीं पूछा, और पैरों पे भी लगाई है। और आज का मेरा दिन बड़ा, पैर और दिखाओ भाभी के, ये रहे लो देखो पैरों पर छोटी थी, भाभी दूसरा उठा, दोनों उठाओ हमें एक साथ उठाओ जल्दी, ये रहा। तो गाइस ये मेरी अभी मेहनत थी 1 बजे तक की, अब मैं ग्रीन टी पी के मैं और भाभी बस हम सो जाएंगे, और कल हम देखते हैं कहीं घूमने जाएंगे, कल मैं हो सकता है अपने घर भी चली जाऊँ, बट दोनों ही बात हो सकती है। और आप लोग मुझे कमेंट में करके ये ज़रूर बता देना कि यहाँ पे कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए जहाँ मैं जा सकती हूँ। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।